सही भाई होगा मैं राम राम। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सभी अच्छे हो गए। आज हमने अपने ट्रैक्टर की लाइटें उतारनी है क्योंकि जो मोस्टर टायर हमने डाल रखे थे उसमें तो वो ठीक लग रही थी, और ये छोटे टायर डाल दिए, 2-3 दिन इनको चढ़ा के रखना है। तो इन मेलू कितनी बेकार आ रही है यार, पूछो मत, बिल्कुल बद्दी लग रही है, ऐसी अजीब सी लग रही है बाहर। तो इनको उतारनी है, और उतारने से पहले एक दो वीडियो बना के रख लेते हैं फोन में। तो फिलहाल ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, जाके एक दो वीडियो बना के फिर ट्रैक्टर घर पे लेके आके फिर लाइटें उतार देंगे, और लाइटें उतारने के बाद फिर देखते हैं अगला स्टेप क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले गाड़ी बाहर निकाल दूं एक बार, फिर ट्रैक्टर को निकाल लेता हूं, और ट्रैक्टर निकालने के बाद फिर उसको वहीं रोड पे लेके चलेंगे, एक दो स्टंट स्टंट छोटा मोटा करके देखेंगे, फिर लाइटें उतारनी है। तो मिलते हैं भाई ट्रैक्टर के पास। लो जी ट्रैक्टर हमने निकाल लिया बाहर, अब करेंगे ट्रैक्टर के साथ गैराज। गैराज तो दोनों लुक आपने देख लिया, आप कमेंट करके मुझे बताना ये फर्स्ट वाली ओल्ड अच्छी लग रही है या न्यू ज़्यादा अच्छी लग रही है। टायर छोटे 1016 पता नहीं क्या नंबर है इस टायर का, एक इनमें ये भाई कहीं बात देख के कहने लगे भाई ये क्या डलवा दिया क्या बना दिया ट्रैक्टर का। तो भाई ये स्पेशल बस टेस्ट करने के लिए डाले थे, 1 या 2 दिन में उतार देंगे इन टायरों को, हमें लगा के नहीं रखने, लगा के जो उस ट्रैक्टर में डाल रखे वही लगा के रखने हैं, ये तो उतार देंगे थोड़े दिन बाद। बाकी एक जोड़ी इन टायरों की जरूर लेके आएंगे स्टंटों के लिए, ये तो 1016 नंबर है, 1116 आता है वो लेके आएंगे, वो थोड़ा इनसे और चौड़ा और ऊंचा होएगा। इनमें ट्रैक्टर यार बिल्कुल आगे से तो 2500 हो गया, पीछे से मोस्टर वही पीछे से तगड़ा सा लग रहा है, आगे से थोड़ा ये लग रहा है भाई वो वाली बात नहीं है। बाकी देख लो पीछे से तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, पीछे सारा कुछ वही सेम है, आगे से फर्क पड़ गया। इनमें ट्रैक्टर मुझे भी यार इतना अच्छा लग रहा, और बाकी लाइट उतारने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, तो लाइट हम उतार देंगे फिर जब वो टायर चढ़ाएंगे ना फिर चढ़ाएंगे लाइटों को दोबारा से। साइलेंसर टूट गया है ट्रैक्टर का, इसकी वेल्डिंग फट गई नीचे से, यहाँ से वेल्डिंग फट गई इसकी, उतार दिए भाई दोनों की, दोनों उस साइड की उतार दी उस साइड की उतार दिए, लाइनट भी ले जा। गर्म हो रही है उसको, गर्म है ट्रैक्टर का। हाँ जी हम बनी है कुछ गल बात थोड़ी थोड़ी बनी यार, अभी भी ट्रैक्टर आगे से नीचा लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, पिछले टायर की वजह से आगे के टायर छोटे लग रहे हैं। चलो कोई नहीं, तो 1000 वाले जब 11 इनसे एक नंबर और बड़े टायर पड़ेंगे ना तो वो अच्छे लगेंगे इसमें। बाकी ठीक ठाक लग रहा है ट्रैक्टर, लाइव देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, वीडियो में तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे छोटा सा ट्रैक्टर है कैसे, बाकी ठीक है यार। ओके रिपोर्ट है बिल्कुल ओके, स्टे अवे दैट्स योर डेथ। तो यार एक बार ना ट्रैक्टर बाहर निकाल लेते हैं, फिर बाहर निकाल के लुक दिखाता हूँ।
तो भैया ऐसी लुक आ रही है फिलहाल, आप देख लो बाकी कल की वीडियो में और अच्छे तरीके से आपको दिखा देंगे। बाकी अच्छा लग रहा है ट्रैक्टर लाइट उतारने के बाद। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और इसी वीडियो में कल वाली वीडियो और एडिट कर रहा हूँ मैं, वो आप देख लेना। भाई अपना एक राहुल बिरवाल नाम है, तो अब आप बोलोगे भी उनसे मिलवाया क्यों नहीं, जिस दिन आपने सारे ट्रैक्टर अपने ग्रुप के बुला रखे तो उनका ट्रैक्टर क्यों नहीं बुलाया, तो उस दिन बुलाने का भी रीजन यही था, उनका गांव यार मेरे गांव से बहुत दूर पड़ता है, उनका गांव हमारे गांव से ना 25-30 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए मैंने उनको नहीं बुलवाया क्योंकि उनका गांव दूर पड़ता है यार, तो आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने सोचा आगे वीडियो में कभी चक्कर उनके गांव का चक्कर लगता रहता है, तो आगे फिर वीडियो में उनको ले लेंगे। तो आज की वीडियो का उसका यहीं पे एंड करते हैं, और कल वाली वीडियो आप इसी वीडियो में देख लेना। तो कल तक के लिए बाय। सही भाइयों को मेरा राम राम। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सभी अच्छे हो गए। आज घर पे नहीं है, बाहर ही आया हूँ। उस भाई से आज मिलवाते हैं आपको, और उसके ट्रैक्टर पर म्यूजिक सिस्टम रखना है, सोनू की दुकान पर ही सिस्टम फिट कराएंगे। तो चलो एक बार चलते हैं उसके पास। फोन किया मैंने उसको, तो कह रहा है शुगर मिल में है वो कल रात का, अभी तक घर पे नहीं आया है। तो लो जी पहुंच गया शुगर मिल में, सारा सारा शुगर मिल, नया शुगर मिल बनाया है पानीपत में, पहले पुराना था अब ये नया बन गया है। और इसमें भी ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, चारों तरफ रोड के बाहर भी ट्राली है और शुगर मिल के अंदर तो पूछो ही मत, इतनी भीड़ हो गई है। चल कोई नहीं, फ़ोन करके एक बार बुलाता हूँ उसको यहीं पे, ऐसे तो मिलेगा नहीं, बहुत भीड़ है अंदर। ले दो आज तने वीडियो में और सुना दे ये गुणा हो दो यार, और नया शुगर मिल चालू हो गया यार पानीपत में, राहुल ने शुगर मिल चालू करवा दिया नया। पलट के लुआओ इसी दिन नीचे तो गैर हो रही गति आए हैं उनसे हरी सहमे सूमे है गए सहमे ये देख लो भाई, ये यार खाली ट्राली लो जी बस आ गया अपना भी नंबर, अब चल रहे हैं ऐसे खाली करा के। नहीं 16 घंटे गाड़ी के अंदर गर्मी, अच्छे ज्यादा गर्मी, बट क्या कर सकते हैं। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है मिल में, कौन सा महीना चल रहा है, पांचवा महीना चल रहा है और इतनी लंबी लाइन बाहर रोड पे, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। वैसे इन्होंने ट्रैक्टर ये बेच दिया, नया ट्रैक्टर लिया था प्रीत, पर कुछ इसमें इशू था भाई, वो वाली बात नहीं थी, फिर बेच के दोबारा स्वराज ले लिया है। देखते हैं आज क्या कुछ सीन होता है, पहले यहाँ से शुगर मिल से फ्री हो जाते हैं, फिर चलते हैं घर पे, वहां से स्वराज ट्रैक्टर लेके फिर सोनू की दुकान पे चलते हैं, फिर म्यूजिक सिस्टम आपको दिखाते हैं कैसा लगा है, कैसी उसकी आवाज आती है, क्या क्या उसमें मतलब क्या उसका प्राइस, सारा कुछ बता देंगे आपको वीडियो में आगे चल के। 5 या 10 मिनट का रास्ता हो रहा है, बस पहुंच ही गए हैं घर पे। तो यार एक बात मैंने देखी है, मतलब अपने चैनल पर ठीक है भाई, ये नहीं है भाई जितने भी सब्सक्राइबर अपने चैनल पर है हर एक के पास जॉनडियर हो, ये लगा लो अगर 1 लाख बंदे अपनी वीडियो देखते हैं तो कम से कम 10,000 या 12,000 के आसपास जॉनडियर होगा, बाकी के पास और ट्रैक्टर
लेकिन एक बात और है यार सोनालिका की भी, मतलब बहुत सारे बंदे अपने चैनल पर वीडियो देखते हैं जिनके पास सोनालिका है, सोनालिका के फैन लगा लो कुछ भी, जो जिनको सोनालिका पसंद है और जिनको जॉन डियर पसंद है, इस चीज की वोटिंग कराएंगे भी एक दिन, किसको कौन सा ट्रैक्टर पसंद आता है, कम्युनिटी टैब में वोटिंग कराएंगे और कमेंट के नीचे भी वोटिंग करा देंगे। देखते हैं भाई, उसके लिए अलग वीडियो लेके आएंगे आपके लिए भाई, वोटिंग कराने कौन सा ट्रैक्टर मतलब पसंद है, उससे पता चल जाए भाई अपने चैनल के ऊपर कौन से ट्रैक्टर के फैन ज्यादा है। तो स्वराज की बड़ी कमेंट आती है भाई, आपने हर ट्रैक्टर के साथ टोचन करके देखा, कभी स्वराज के साथ टोचन करके देखो। तो ऐसी बात नहीं भाई, मैंने कभी स्वराज के साथ टोचन नहीं, 5-6 बार मैंने टोचन करके देख रखा है। और ऐसी बात नहीं भाई, हमारा ट्रैक्टर हारा हो, हर एक बार ट्रैक्टर अपना जीतता है। वीडियो कुछ पर्सनल इशू करके, मतलब जिनके पास स्वराज ट्रैक्टर होता था वो टोचन करते थे, तो उन्होंने मना कर दिया भाई हमारी वीडियो मत डालो। एक दो वीडियो मैंने स्वराज के साथ डाल भी रखी है, वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है भाई स्वराज बेकार ट्रैक्टर, मेरी जॉन डियर से पहले पसंद स्वराज ही थी भाई, ट्रैक्टर लेके आना था स्वराज ही लेके आना है, लेकिन पापा जी की पसंद जॉन डियर थी तो वो जॉन डियर लेके आ गए, मेरी पसंद स्वराज थी तो उन्होंने मेरी माननी नहीं भाई, बोला भाई जॉन डियर ठीक है। तो कहीं ना कहीं यार उनकी बात भी ठीक थी भाई, जॉन डियर ट्रैक्टर आप लोगों को पता चला ही में बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, उस टाइम के जो स्वराज ट्रैक्टर आते थे ना उनसे तो 100 गुना अच्छा है, लेकिन अब तो स्वराज भी अच्छे आने लग गए, ट्रैक्टर स्वराज भी बड़ा पावरफुल ट्रैक्टर है, ऐसी बात नहीं है। तो लो जी पहुंच गए घर पे, ये खड़ा है अपना छोटा 816 के टायरों में है ये, राहुल और मैं गाड़ी में चलेंगे और दूसरा एक भाई सुखचैन नाम उसका, वो ट्रैक्टर लेके आ रहा है, फिर चलते हैं दुकान में बनाते हैं आगे चल के वीडियो। यू भाई राहुल भाई यार पारा ना कदे फुर्सत लगेगी ना तो इसका भी एक भाई रिव्यू ले होंगे, फिर आज तो टाइम नहीं है, है ना। ट्रैक्टर अपना आ रहा है, पीछे पीछे पहुंच गया सोनू की दुकान के आगे, महादेव बैठा दो बाहर, इतनी वो थक थुका है, हम बैठा दो ले भीतर यार, गाड़ी में थकान नहीं होती यार। तेरी म्यूजिक सिस्टम बॉक्स ये भाई नया स्वराज राहुल भाई का, पहले भी नहीं पास एक स्वराज और था, लेकिन एक और नया लेके आ गया, पता नहीं स्वराज के साथ ऐसा क्या लगा हुआ इनका भाई, एक और नया लेके आ गया, 16 के टायरों में ही है ये और साइड गियर 1, 2, 3, 4 हाई लो मीडियम में है, तीन गियरों में है ट्रैक्टर ये। बाकी बार राहुल से पूछते हैं ऐसा क्या लाड प्यार, अभी पहले भी एक स्वराज था, दूसरी बार फिर ही लेके आए स्वराज जी। राहुल भाई एक बात बता, पहले भी स्वराज था एक और स्वराज लिया, ऐसा क्या लाड प्यार है यार इस ट्रैक्टर के साथ, जुबर तेरा जोड़ दिया था मेरा स्वराज था, सेम होए कर दिया। अरे वो साइड गियर में, वो सेंटर में था, यू साइड गियर में लेगा, मतलब उसके यू शॉक में रखना, अदन वो शॉक में रखने हैं, शॉक मतलब अदन वाला काम लेना कभी खींच। नया साइलेंसर ला भाई, मेरे जरा जरा भी आ लिए ट्रे ले जा गया, हां लेफ्ट पर तरफ ना ठीक है, हमारे पाइनर के बूफर आ गए हैं करी तना, तू के कर देखे देखे चमके ना यार, काम ना करके करे रिव्यू ले गया यार, फिटिंग मना करी यार, मना नहीं करी भाई, मना करी हाँ करी। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो म्यूजिक सिस्टम अपना लग के तैयार हो गया है, प्राइस इसका 36-37 हज़ार रुपये के आसपास प्राइस रहेगा और पाइनर के दो बूफर हैं,
चार स्पीकर है पैनासाउंड का, एक फोर चैनल लैंप है और एक दूसरा पता नहीं कौन सी कंपनी का है, और एक स्टीरियो है पैनासाउंड का। थोड़ा टाइम लगेगा, कर रहे हैं वो भी, बाकी ये ऊपर ऊपर काम तैयार हो गया है पूरा, बेस आपने देख ली होगी और अभी तक नहीं देखी हुई तो आगे वीडियो में देख लेना। ईयरफोन यूज़ कर लेना आप, उसमें अच्छी बेस आई, उसमें पता चलेगा अभी क्या बेस आ रही है। दो बूफर लगाए हैं, चार स्पीकर लगाए हैं और एक मोनो, एक फोर चैनल लैंप और इनका एक स्टीरियो, इसका भी बक्सा भी पीछे लगा दिया है तो आप इसकी वायरिंग कर देंगे। पीछे से लुक आपको दिखा देते हैं भाई कैसे आ रही ट्रैक्टर की। देश भाई दे दे, सोनू दे दे। सुमित बैठा और ऊपर पोस्टर पे भी सुमित बैठा, हर दाग पड़ा वो पटाला है। किसे लग गया भाई? अरे इसका तो था। ओ ड्राइवर रुकिए। भी नहीं आगे, मैं बम्पर भी नहीं आगे समझ आया। पहले गाना सुना जाए यार, हमारी गाड़ी का भी काम करते यार, प्लस गाड़ी ऑटोमेटिक बढ़ गई। काम खत्म हो गया डैड का, आप घर पे जा रहे हैं यार? सारा दिन हो गया आज तो, सारा दिन घर से बाहर, कुछ खाना नहीं पीना नहीं। बताओ। चलो ठीक है, जा रहे हैं। 9-10 बजे का टाइम हो गया, घर पे जाते पापा जी भी गालियाँ देंगे भाई इतना सुबह का तू घर से निकला हुआ है अभी तक घर पे नहीं आया। तो जा रहे हैं घर पे, घर पे जाने के बाद फिर थोड़ी बहुत वीडियो शूट करते हैं। आज तो यार सुबह से मैंने अपने यार टोचन किंग का मुँह नहीं देखा है, तो पहले तो यार उसको जाके एक बार ट्रैक्टर से मिलता हूँ, फिर आगे वीडियो बनाते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं आगे वीडियो में घर जाने के बाद। लो जी पहुंच गए हैं घर पे, वो खड़ा अपना टोचन किंग आगे, लिफ्ट देखो कितनी ऊपर उठा रखी है। गर्मी लग रही थी इसलिए निकालते थे, अब ठंड लग रही है इसी चालू हो गया ना इसलिए।
उठाओ अब इन सारी चीजों को यार, मेरा तो ना अंदर बैठने तक का भी। अरे देखो यार गरीबी आ गई, तेल डलवाने के पैसे नहीं रहे। तो भी मेरा इंतजार कर रही है, दो दिन हो गए थे मानो से मिले। मानोस बाहर आ जा, मैं नीचे आ जाता हूँ। बस 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 बस। तो भाई सोने कर लेते हैं तैयारी, और कल मिलते हैं नई वीडियो में। कल तक के लिए बाय।